हेलो फ्रेंड्स, मैं स्नेहा, वेलकम टू माय चैनल फॉर यू एंड द चाइल्ड। आज इस वीडियो में बात कर रही हूँ सीबीएसई द्वारा इशू की गई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन पे। इस नोटिफिकेशन को मैं नया तो नहीं कहूँगी, क्योंकि ये मई 2019 में ही इशू हो चुका था और जिसके बारे में काफ़ी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को पहले से पता होगा। पर क्योंकि ये नोटिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस वीडियो में इसकी चर्चा कर रही हूँ। क्योंकि अगर इस नोटिफिकेशन को पेरेंट्स या स्टूडेंट ने सीरियसली नहीं लिया तो हो सकता है उन्हें आगे जाके प्रॉब्लम हो जाए। तो इस नोटिफिकेशन को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि क्लास टेंथ का सर्टिफिकेट किसी भी स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इस सर्टिफिकेट की ज़रूरत स्टूडेंट को आगे जाके कई स्टेजेस पे पड़ती है, इसलिए इस सर्टिफिकेट में जो भी पर्टिकुलर्स मेंशन है, स्पेशली स्टूडेंट के नाम या उसके नाम की स्पेलिंग, पेरेंट्स के नाम या उनके नाम की स्पेलिंग और स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर है जो बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए। इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। और स्कूल पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को कई बार मैसेज कन्वे करता है रजिस्ट्रेशन के टाइम से लेकर एडमिट कार्ड के इशू होने तक, कि अगर उन्हें लगता है कि स्टूडेंट्स की किसी भी डिटेल में कोई गड़बड़ी है, कोई करेक्शन रिक्वायर्ड है, तो वो स्कूल को इंटीमेट करके चेंजेस करवा सकते हैं। वो कौन कौन से स्टेजेस है, इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि कौन कौन से स्टेजेस है, कहाँ कहाँ पर आपको अगर लगता है कि स्टूडेंट के पर्टिकुलर में कोई करेक्शन रिक्वायर्ड है तो आप स्कूल से कह के चेंजेस करवा सकते हैं। लेकिन देखा गया है कि हर साल अलग अलग शहरों से, अलग अलग स्कूल से कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सर्टिफिकेट इशू होने के बाद कई बार तो 2-3 साल के बाद सीबीएसई को एप्लीकेशन भेजते हैं कि सर्टिफिकेट में जो भी उनकी डिटेल्स मेंशन है वो इनकरेक्ट है या उसमें कोई एरर है, जो कुछ गलतियां हैं जिससे वो चेंजेस करवाना चाहते हैं। इसलिए सीबीएसई चाहता है कि इस तरह के जो बार बार एप्लीकेशन को रिसीव होती है कि सर्टिफिकेट्स में ये गलती है, वो गलती है, उसको कम करने के लिए और स्टूडेंट और पेरेंट्स को रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण स्टेप उठाया है। सीबीएसई ये चाहती है कि जो भी कैंडिडेट्स हैं जिनकी डिटेल्स रजिस्ट्रेशन के टाइम सीबीएसई तक पहुंचती है वो करेक्ट हो और स्टूडेंट और पेरेंट्स अपनी तरफ से पूरी तरह से इंश्योर कर ले कि वो सारे डेटास करेक्ट हो, ताकि बाद में ये चेंजेस करवाने का चक्कर ना हो। इसलिए स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए सीबीएसई ने एक कदम उठाया है, वो ये कि जब स्टूडेंट्स को क्लास 10 का एडमिट कार्ड इशू होता है तो उसके साथ साथ एक अंडरटेकिंग पे पेरेंट्स को और स्टूडेंट को साइन करना होगा। उस अंडरटेकिंग में क्लियरली मेंशन होगा कि इस एडमिट कार्ड में जो भी स्टूडेंट्स का डिटेल दिया हुआ है, उसके नाम, डेट ऑफ बर्थ, पेरेंट्स के नाम, जो भी दिया हुआ है वो करेक्ट है। पेरेंट्स और स्टूडेंट दोनों इस अंडरटेकिंग पे साइन करेंगे। इसके साथ साथ एग्जामिनेशन हो गया और जब मार्कशीट कम सर्टिफिकेट बच्चों को इशू किया जाता है तो उसके पीछे भी एक अंडरटेकिंग होगा, जिसमें पेरेंट्स और प्रिंसिपल, स्कूल का जो प्रिंसिपल होंगे, वो साइन करेंगे उस अंडरटेकिंग में, जिसमें वही बात मेंशन होगी कि इस मार्कशीट पे जो भी स्टूडेंट का डेटा दिया हुआ है, जो भी उनकी डिटेल्स दी गई है, वो करेक्ट है। तो इन दो स्टेजेस पे एडमिट कार्ड के समय पेरेंट्स और स्टूडेंट को अंडरटेकिंग पे साइन करना होगा कि जो डिटेल्स एडमिट कार्ड पे प्रिंटेड है वो बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा, जब मार्कशीट आ जाएगी उस टाइम पेरेंट्स और प्रिंसिपल को ये अंडरटेकिंग पे साइन करना होगा कि इस डिटेल्स, जो भी मार्कशीट पे बच्चों की डिटेल्स है, वो करेक्ट है। इस तरह से सीबीएसई का ये कदम है कि पेरेंट्स, प्रिंसिपल और स्टूडेंट, ये तीनों को रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए कि अगर कोई इसमें करेक्शन की ज़रूरत है तो वो इमिडिएट करवा ले, अदरवाइज अगर आपने इस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया और उस पर अंडरटेकिंग पे भी साइन कर दिया बेध्यानी में, ठीक से आपने डिटेल्स चेक नहीं करी, तो हो सकता है कि बाद में जब आप सीबीएसई को किसी करेक्शन के लिए अप्लाई करें, या फिर यानी कि अगर आपको लगता है कि सर्टिफिकेट्स में कोई मिस्टेक है और आप फिर से अप्लाई करना चाहें, तो शायद सीबीएसई आपके इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दे। इसलिए इस चीज़ को आप काफ़ी सीरियसली लें और अपने बच्चों के डिटेल्स को बार बार क्रॉस चेक करके ही इस अंडरटेकिंग पे साइन करें। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके काम की होगी। थैंक यू सो मच।